झरने पर बनाना, झरना पर बनाएंगे, मोदी जी को वोट देंगे, मोदी जी को वोट देंगे। देखिए झरना पर खाना बनेगा और मोदी जी मोदी जी का वोट देंगे। चट्टी फटा हो, चट्टी में सुराख हो, आएगा तो मोदी। अरे भाई कम से कम तो चट्टी तो सिल लो भाई। घर में जो खाने के लिए जो है गैस सिलेंडर हो या दाना हो या सब्जी हो, हर एक टमाटर कुछ दिन पहले 200 रुपए हुआ था, मिर्ची का देख लिया अभी भी महंगा है, प्याज 250 रुपए हो गया। अरे प्याज 250 रुपए हो गया चाचा, चाचा भारी पड़ गया सब, कुछ भारी नहीं पड़ेगा, उस समय गए तो सब अपने चित हो जाएगा सब। हाँ एकदम 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है और लड़ाई इंडिया वर्सेस एनडीए की है। हम अभी दरभंगा जिला में हैं, यहाँ प्रतिक्रिया जानेंगे जनता से कि 2024 में आखिरकार कौन पीएम बनेगा। क्या नाम हुआ आपका? दुखनी देवी। कौन आ रहे हैं 2024 में? 2024 में राहुल गांधी आएगा। राहुल गांधी क्या बाबा, कौन आ रहे हैं? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। सिलेंडर सस्ता मिल रहा है आपको? नहीं, ये सिलेंडर इतना महंगाई है जे जवाब नहीं है। बोला कि बोला जे सिलेंडर बहुत सस्ता होगा। खाना कौन सी पर बनाती हैं? लकड़ी पर। बताइए इतना सस्ता सिलेंडर हो गया है, 1300 रुपए सिलेंडर, फिर सस्ता है? कैसे सस्ता, सस्ता नहीं है, नहीं है। मोदी जी तो झूठ फूस बोल कर को सिलेंडर दिया, पूरा भगवा भेष में अब मोदी जी का विरोध कर रही है। मोदी जी का अभी बिहार में आना मुश्किल है, मुश्किल है। चाचा कह रही है अभी नहीं करेंगे, दो सपना में ख्वाब देखे पड़ते, सपना में ख्वाब देख रहे बोलना, सपना में ख्वाब देख रहे नहीं, वो भी ख्वाब दे, मोदी जी ख्वाब देख रहा बिहार के। मोदी एनआई छे परम जरूरी आएंगे एकदम, बिहार एकदम पहुँचबे कर दे, बिहार पहुँचेंगे एकदम पहुँचते। 24 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? नरेंद्र मोदी। महंगाई कम है? नहीं महंगाई है, उससे न फर्क है, फर्क है। देखिए देखिए महंगाई है, फर्क नहीं है, मगर विकास हुआ। घर में भूखे रहेंगे वोट देंगे? हाँ नरेंद्र मोदी का, नरेंद्र मोदी को। इन्होंने लाइन पूरा कर दिया, कौन लग रहा आएंगे? मोदी जी आएंगे। अच्छा एक और सवाल रहेगा आपसे, मणिपुर में बहन बेटियों की यानी दुर्दशा कर दी गई, उस पर क्या बोलिएगा? कहाँ कहाँ बीजेपी की सरकार थी वहाँ? हाँ मणिपुर में। तो जहाँ तक अगर जो वहाँ पर, हाँ जहाँ पर वहाँ पर जा, आप अगर जो गलती नहीं किए होंगे तो हम कैसे गलती कर देंगे, यो बात को मानना पड़ेगा। बहन बेटियों का बलात्कार हो जाए, हो जाए बहन बेटी का बलात्कार कैसे हो जाएगा? जबरदस्ती होगा तो इसका बाद बलात्कार हो जाएगा, काहे होगा भाई? एक मिनट, आप अगर जो संसार में लफुआ लुचंगा का कमी है। हाँ देखिए इन्होंने कह दिया मोदी आएंगे, क्या लगता है 24 में कौन आने वाले हैं? 24 में बिल्कुल राहुल गांधी जी आएंगे, क्योंकि जुमला कुछ नहीं चलेगा, तो कह रहे कुछ होवे नहीं क्या मणिपुर? अरे मणिपुर में बहुत कुछ हुआ, बहन बेटियों को जो है नंगा घुमाया गया सड़कों पे। चाचा आइए ना इधर, इलाज करवाने गए हैं क्या एम्स में? हमने वहाँ किया है एम्स में, दरभंगा एम्स बनवा दिए मोदी जी, इलाज करवाने गए थे? नहीं हम नहीं गए, नहीं गए। चाचा झूठी राजनीति कब तक होगा? ना दरभंगा में एम्स दिया, ना पूर्णिया में हवाई अड्डा दिया, नरेंद्र मोदी झूठी भी राजनीति करते हैं। मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? केंद्र के अंदर आता है एम्स, एम्स मोदी जी ने, मोदी जी ने 2020 में वादा किया था कि दरभंगा को एम्स मिलेगा, टोटल 8 एम्स का घोषणा हुआ जिसमें से 7 चालू हो गया, दरभंगा एम्स लटक गया 8 साल से, मोदी जी ने घोषणा किया। राजनीतिक चल रहा है ना दरभंगा में, तो बिहार सरकार जो था उनको बोला छून कर जगह देने के लिए, पूरा बिहार में जगह नहीं मिला, नीतीश कुमार दरभंगा में दिया। इलाज करवाने गए थे क्या केंद्र के अंदर? इलाज जो वो देखिए इलाज करवाने नहीं गए हैं, 3 दिन से ढूंढ रहे हैं जो एम्स कहाँ है, एम्स मिल ही नहीं रहा है, हम पूरा दरभंगा छान मार लिए 15 लीटर। गठबंधन का सरकार होगा, चाहे गठबंधन होगा यानी इंडिया सरकार होगा, राहुल गांधी जिंदा। लोगों में भाई माहौल खराब हो चुका है, भारत का माहौल खराब हो चुका है, लोग इंडिया की तरफ रुख कर लिया। क्या लग रहा है कौन आएंगे? राहुल गांधी आएंगे। राहुल गांधी आएंगे, हाथ में कलावा बांधे हुए हैं, कह रहे राहुल गांधी आएंगे। मोदी से भाई काहे नाराज हो गए? जो है इतना बहु बेटी का जो बलात्कार हत्या हर एक चीज हो रहा है उसके सरकार में, मणिपुर में देख लीजिए ना अभी कई दिन से जो है, मतलब दो गुटों में जो लड़ाई चल रहा है, बहन बेटी को सड़कों पे हम ऐसे ही नंगा लेके ले जा रहा है, मारपीट कर रहा है, हर एक चीज जो है उसके सरकार में जो है कुछ ना कुछ दंगाई के खिलाफ ही, मतलब पूरा पूरा दंगाई की तरफ जा रहा है पूरा देश, पूरा देश रुख बदल चुका है। 24 में सरकार बदली बिल्कुल, राहुल गांधी आने वाले 24 में बिल्कुल। जनता की राय जनता के साथ,
आपने कहा, इन्होंने कहा कि नीतीश जी बनवाएंगे एम्स। नीतीश जी ने तो जगह दे दिया लेकिन एम्स जगह दिया, अभी तक एम्स बना ही नहीं है। मोदी जी वहाँ से भाषण देते हैं, गठबंधन मोदी जी भाषण देते दरभंगा में एम्स बन गया, यहाँ जमीन का ढूंढा लिया गया, ढूंढ दिया गया, एम्स अभी तक ढूंढा ही नहीं है, बनाया ही नहीं है, फंडिंग ही नहीं कर रहा है, वहाँ से अनुशंसा ही नहीं कर रहा था, बनेगा कहाँ से? कौन आएंगे 24 में? राहुल गांधी आएंगे, राहुल गांधी आएंगे, नरेंद्र मोदी आएंगे, थोड़ी होगा इनके आने वाले पीढ़ी को होगा, 1800 हो जाए लेकिन आएगा मोदी। वीडियो नहीं देखे थे? एक वीडियो जो चड्डी फटा हो, चड्डी में सुराख हो, आएगा तो मोदी। अरे भाई कम से कम तो चड्डी तो सिल लो भाई, घर में जो खाने के लिए जो है गैस सिलेंडर हो या दाना हो या सब्जी हो, हर एक टमाटर कुछ दिन पहले 200 रुपए हुआ था, मिर्ची का देख ले अभी भी महंगा है, प्याज 250 रुपए हो गया, अरे प्याज 250 रुपए हो गया, अरे हर एक चीज जो है, लेकिन फिर भी आएगा। चाचा कह रहे हैं इनका सवाल है 15 लाख मिला, कैमरा 15 लाख मोदी जी आपको, मोदी जी ने अनाउंस किया था कि 15 लाख सबके खाता में जाएगा, इनका सवाल है, हमारा नहीं है। ये 15 लाख हमको मिल गया, 15 लाख नहीं नहीं, हम लोग का जानकार नहीं है, जानकारी नहीं है। चाचा हर साल मोदी जी ने वादा किया था कि केंद्र में सरकार बनेगी तो हर साल 2 करोड़ नौकरी दी जाएगी, रोजगार दिया जाएगा, 9 साल में 18 करोड़ रोजगार, 18 करोड़ में आप हैं क्या उसमें शामिल? नहीं, हम और कोई रोजगार ही नहीं मिला। आपके बच्चा सरकारी नौकरी, बहुत बहुत दुख, बहुत दुख की बात है जो बाबा को रोजगार नहीं, सरकारी नौकरी इनसे पूछिए, बच्चा पढ़ाई करके नौकरी लिए है? नहीं ना लिया है। 2 करोड़ की बात की थी मोदी जी 2014 में, तो सरकार बने 2 करोड़ नौकरी देगी, ये काला हो जाएगा, इतना बड़ा भारत जो है, इतनी बड़ा भारत तो सोचे देखेगा कि आप ही के देखेगा, सब जनता जिम्मेदार, आप जिम्मेदार, पूरा भारत जो है, पूरा भारत को इंसान को देखेगी कि आपको एको औंठा छाप दे देख लेगा वो सब। जनता जनता किसको चाहती है एक बार जोर से? चाचा चाचा भारी पड़ गया सवाल, पूछो भारी नहीं पड़ेगा, उस समय गया तो सब अपने चित हो जाएगा, सब हाँ एकदम हो जाएगा, बताइए पूरा कॉन्फिडेंस, पूरा कॉन्फिडेंट के साथ कह रहे खत्म। अरे चाचा को तो कुछ पता ही नहीं है, इसलिए बेटा कमा के देता हुआ खुद कहिएगा। इन चाचा कह रहे हैं 1800 हो जाएगा वोट मोदी को, आएगा तो मोदी। ये देश की दुर्भाग्य है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार है इस देश में, एक जाहिल इस देश को चला रहा है, ये देश की दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। दिन भर झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ परोता जा रहा है और लोगों को गुमराह किया जा रहा है इस सरकार में। आप देख लीजिए दरभंगा एम्स के बारे में मोदी जी ने कह दिया कि एम्स बनकर के तैयार हुआ हो गया। मैं आप यहाँ के सांसद गोपाल जी ठाकुर से पूछना चाहूँगा कि एम्स का उद्घाटन कब करवा लिए? आज तक हम लोग को इन्फॉर्मेशन भी नहीं और जनता को पता भी नहीं। मैं 2 दिन दरभंगा में घूमा हूँ, 2 दिन एम्स के खोज में, लेकिन एम्स हमें कहीं मिला नहीं। अब है कि ऐसे लोग जो सरकार में है, देश की ये दुर्भाग्य है कि जुमला दे करके लोगों को लुभावना दे करके लुभा करके 2014 में आ गया। आप एक बात जानते हैं कि वो हर इंसान, ऐसा इंसान जिसको सबसे नीच समझा जाता है और समाज का सबसे बुरा इंसान होता है, उसको तरीपार कर दिया जाता है। आप एक तरीपार इस देश का गृह मंत्री है तो वो क्या करेगा? इलाज करवाने गए थे क्या एम्स में? हमको मिला ही नहीं, इलाज कराने कहाँ जाएंगे? एम्स मिला ही नहीं, एम्स खोद करके थक गए। जिनको भी दरभंगा एम्स जाना है वो पूर्णिया एयरपोर्ट से जहाज पकड़े और सीधा आ जाए। पूर्णिया एयरपोर्ट भी चालू हो गया, पूर्णिया एयरपोर्ट भी, तो ये भी मुझे पूर्णिया में एयरपोर्ट ही नहीं है, कहाँ? बाप रे, गलत बोल दिए क्या? बिल्कुल झूठ पे नरेंद्र मोदी जी, सुनिए नरेंद्र मोदी जी गलत बोलिए रे, बिल्कुल झूठी सरकार है, झूठे विकास है उनका, हर चीज झूठा ही है, झूठा। सस्ता रसा कर लिए थे मोदी जी, एयरपोर्ट है कुछ भी नहीं, कैसे कहीं दिखाई नहीं यार, कल से खोज रहे हैं एयरपोर्ट और ये एम्स मिल ही नहीं रहा, समझ से बाहर है, कहाँ ढूंढे? दोनों चीज नहीं बना है जैसा जनता, क्या वो मिस्टर इंडिया वाला एम्स बना है? मिस्टर इंडिया वाला पक्का मिस्टर इंडिया वाला बना है, वो मिस्टर इंडिया वाला ही वो गुमसुम है, वो खुद ब खुद आ जाएगा मिस्टर इंडिया वाला। वो सिर्फ मोदी जी को ही दिख रहा है एम्स, जिस तरह मिस्टर इंडिया में अनिल कपूर को ही सारा कुछ दिख रहा था, उसी तरह मोदी जी को और मोदी जी के भक्त को दिख रहा, उसके अलावा किसी को दिखाई नहीं दे रहा। 2024 में
इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी और एनडीए गठबंधन पूरी तरह से सफाया हो जाएगा हिंदुस्तान से। सफाया हो जाएगा, बिल्कुल सफाया हो जाएगा। और लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही आप जरूर कमेंट कीजिएगा। भैया माहौल खराब हो चुका है बिहार का, 24 में खेला होने वाला है जैसा यहाँ के लोग बता रहे, खेला हो जाएगा क्या? बिल्कुल खेला होगा, बिल्कुल खेला होने वाला है और इंडिया की सरकार बनने वाला। मोदी जी सेब संतरा टमाटर सब महंगा कर दिए, मजा आ रहा है बेचने में? बिकता, उसमें भी बिकता है, बिक रहा है। महाराज रहेगा तो बिकवे करेगा। दारू बिक रहा है एरिया? दारू तो खूब बिक रहा है, दारू बंद करवाइए, फल तो खाएगा तो सेहत बनेगा, आ दारू पीने से लीवर डाउन होगा। किसको वोट कीजिएगा 24 में? जो अच्छा करेगा उसी को देंगे वोट। किसको? मोदी सरकार को, मोदी जी को। देखे मोदी जी को, मोदी जी को देंगे वोट, मोदी जी को। हाँ मोदी जी को। सिलेंडर कैसे खरीद रही है? सिलेंडर भी जरना भी सस्ते हम को लिए है। सिलेंडर सस्ते कैसे? कितना? कैसे सस्ता नहीं है? 1300 रुपए। जैसे जरना पर खाना बनाने में अच्छा लगता है, सिलेंडर में अच्छा नहीं लगता हमको। जरने पर बनाना? जरना पर बनाएंगे। मोदी जी को वोट देंगे? मोदी जी को वोट देंगे। देखिए जरना पर खाना बनेगा और मोदी जी को? मोदी जी को वोट देंगे। चलिए इन्होंने कह दिया मोदी जी को वोट देंगे, आप लोग मोदी को देंगे। कह रहे हैं जरना पर खाना बनाएंगे, मोदी जी को हाथ पैर जलाएंगे और मोदी जी को वोट देंगे। अरे इन लोगों का जो है ना, इन लोगों का क्या पता, घर में सिलेंडर जरूर होगा लेकिन महंगाई के कारण ये भरा नहीं रहा है, क्योंकि ये खुद नहीं भरा रहा है। सिलेंडर जरना पर खाना बनाते है, इसलिए सिलेंडर को रख दिए घर में, महंगा इसलिए सिलेंडर को रख दिए। जरना पर खाना बनाती है, कह रही है मोदी जी को देंगे। भूखे मर जाएंगे लेकिन फिर भी मोदी जी को ही वोट देंगे। इन लोगों को देश का कोई फिक्र नहीं है, बस इनको मोदी जी का फिक्र है, देश का फिक्र नहीं है। अरे नीतीश जी, नीतीश तू तो बर्बाद किया है, पूरा बर्बाद किया। देखिए जनता यहाँ पूरा माहौल गर्म हो चुका है, कुछ लोग मोदी को चाह रहे हैं और कुछ लोग कांग्रेस को लाना चाह रहे हैं, यानी एनडीए वर्सेस इंडिया। इंडिया आएगा? अच्छा अच्छा सुनिए ना, इंडिया को वोट नहीं कीजिएगा? इंडिया को, इंडिया का जब वोट होगा तब ना। इंडिया का वोट नहीं कीजिएगा? हाँ एनडीए है, इंडिया को। हाँ बताइए, इंडिया को वोट देगा? सच्चाई बाहर आ गई ना, सच्चाई बाहर आ गई, सच्चाई आ गया, बिल्कुल बाहर आ गया। दीजिएगा इंडिया को, लेकिन आप डर जब बोलेंगे मोदी को वोट देंगे। चलिए कैसे रहा हमारा छोटा सा प्रयास, जरूर कमेंट कीजिएगा। क्या लगता है चाचा 2024 में कौन आने वाले हैं? राहुल गांधी का होना जरूरी है, देश का ईमानदार प्रधानमंत्री चाहिए। क्या है राहुल गांधी? राहुल गांधी तो फ्लाइंग किस कर रहे हैं सदन में। राहुल गांधी पूरे भारत के लिए जान दिए हैं, गांधी खानदान पूरे भारत के लिए जान दिए हुए हैं, इंदिरा जी, राजीव जी। हाँ। और राहुल जी भी देश के लिए बलिदान देने को तैयार है, हर देश का किसान के लिए, घर घर लोगों के लिए जाते हैं। जो माँ बहनों क्या दुख है, क्या तकलीफ को बताइए। आएंगे राहुल गांधी? राहुल गांधी मोदी जी से काहे नाराज हो गए? मोदी जी का भेदभाव है, लोगों में भेदभाव करते हैं, जाति पाति करते हैं, घर में लोगों को ऐसे फला पा, ऐसे करूं वैसे करूं। तो देश में ईमानदार प्रधानमंत्री का जरूर, एक भाषा बोलने वाला चाहिए। अरे उनसे पाकिस्तान डर रहा है, चाइना डर रहा है, सब अपने फायदा के लिए ऐसा कर रहे हैं। फायदा के लिए? अपने फायदा के लिए। वो पाकिस्तान से मिला हुआ मोदी जी, झूठ बोल रहा पब्लिक के सामने, पब्लिक के सामने झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तान से मिला हुआ, पाकिस्तान से मिला। 24 में सरकार चेंज होगी? राहुल गांधी एक बात, दूसरा तीसरा कोई बात, सिर्फ राहुल गांधी, सिर्फ राहुल गांधी, कोई बात, ईमानदार इंसान। तो ये है क्रेज राहुल गांधी का, तो क्या लगता है आपको कमेंट जरूर कीजिएगा।